हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम इन द नव भारती परिवार। अपना रनिंग चैप्टर लेसन नंबर सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इसके अंदर अपन ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक अपन ने तीन विधियों के बारे में पढ़ा, औसत लाभ विधि से, भारित औसत लाभ विधि से और अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। आवर टुडेज टॉपिक is valuation of goodwill by capitalization method। कौन सी विधि है? पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन। स्टूडेंट्स, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए दो विधियां हैं। उसके अंदर पहली विधि जो मैं ले रहा हूं वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पूंजीकरण किसका किया जाएगा? अधिलाभों का। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। व्हाट्स द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। हिंदी के अंदर अधिलाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्यय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हिंदी के अंदर सामान्य प्रत्यय की दर बोलते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके मैं इस विधि को समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, एक क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है औसत लाभ, यानी कि सुपर प्रॉफिट कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का। व्यापार की जो संपत्तियां हैं वो 3,00,000 रुपए की है, एसेट्स और लायबिलिटीज 50,000 रुपए की है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, सामान्य प्रत्यय की दर 10% है। अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए और अपना आंसर क्या आना चाहिए? 50,000 अपना आंसर आना चाहिए। वी विल पुट द फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हमको सुपर प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखेंगे। अधिलाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ के अंदर से सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR। क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है? 10%। ये यहां पर अपन 10% रख देंगे। अब स्टूडेंट देखो, हमको क्वेश्चन के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमको 30,000 रुपए दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। यदि फिगर नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट का अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR कितनी है? 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 10। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन इसको सॉल्व करेंगे। 30,000 माइनस, अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है, विनियोजित पूंजी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, यदि कोई फिगर नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूले से उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, और कैपिटल यानी क्या होता है? एसेट्स में से
लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। ये आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो क्वेश्चन के अंदर हमको एसेट्स कितने रुपए की दी हुई है, 3 लाख रुपए की, और लायबिलिटीज कितनी दी गई है, 50,000 रुपए की। इस एसेट्स के अंदर से लायबिलिटीज को मैं लेस कर दूंगा, यानी कि 3 लाख के अंदर से 50,000 रुपए यदि अपन लेस कर देंगे तो मेरे पास में ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 2,50,000 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई NRR 10% अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 10। अब स्टूडेंट अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस संख्या को अपन काट लेंगे, 10 जा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 30,000, 30,000 माइनस 25,000 यानी कि 5,000, ब्रैकेट खत्म हो गया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, इधर क्या बचा 500 और इधर क्या बचा 100, 500 को 100 से गुना कर देंगे तो 50,000 रुपए ये आंसर आ जाएगा। छाती का मूल्यांकन अधिलाभ विधि से स्टेप बाय स्टेप अपन ने किया, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट जो मेथड है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से छाती का मूल्यांकन करेंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, पूंजीकरण विधि की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि पूंजीकरण विधि की जो दो विधियां है, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि और औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, दोनों मेथड से यदि अपन एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, ये इस मेथड की विशेषता है। औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने का क्या सूत्र है अभी अपन बोर्ड के ऊपर देखेंगे। पूंजीकरण विधि के अंदर दूसरा मेथड औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सूत्र क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट में क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, और इसके अंदर सुपर प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर से विनियोजित पूंजी को लेस कर देंगे तो ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा। या कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई होती है, तो इस दशा के अंदर अपन नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेट एसेट्स का मैंने फॉर्मूला रखा है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द मेन फॉर्मूलाज विच विल बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आप ये जो भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं वैल्यूएशन के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये अपना फॉर्मूला हुआ। अब अपन एक क्वेश्चन लेंगे और एक ही क्वेश्चन को औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से भी सॉल्व करेंगे और अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे होगा सभी स्टूडेंट्स अभी देखेंगे। स्टूडेंट्स दोनों विधियों से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, औसत लाभ 50,000 रुपए, NRR 10% यानी कि सामान्य प्रत्यय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको 3 लाख रुपए क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। तो पहले मैं इसको औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से यानी कि सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो सेकंड मेथड के अंदर औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से गुडविल का फॉर्मूला मैं रखूंगा, गुडविल इज इक्वल टू
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर माइनस, इसके अंदर से लेस क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन लेस कर देंगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले अपन को चाहिए एवरेज प्रॉफिट, चेक करो क्वेश्चन के अंदर हमको एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए का दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह मैं एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए रख लूंगा इनटू 100 की जगह 100 और एनआरआर क्वेश्चन के अंदर हमको कितना परसेंट दी हुई है, 10% हमको एनआरआर दी हुई है, तो अपॉन 10 ये ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर से मैं क्या लेस करूंगा, विनियोजित पूंजी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कितनी, ये 3,00,000 रुपए मैं इसके अंदर से लेस कर दूंगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 10 10 जा 100, 5 के आगे कितनी 0 है, 4 0 ये है और 1 0 ये, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू ये औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से जाति का मूल्यांकन कितना आएगा, 2,00,000 रुपए। ये 2,00,000 रुपए आंसर मैंने पहले से लिख रखा है, यानी कि अपना आंसर सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम पहले मेथड से भी करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2,00,000 रुपए आंसर हमारा आना चाहिए। इसको अपन अभी देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अब अपन फर्स्ट मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या था, आधी लाभों की पूंजीकरण विधि से गुडविल, सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे, आधी लाभों की पूंजीकरण विधि से गुडविल का फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट यानी कि आधी लाभ इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन के अंदर हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, लेकिन हमको सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। हमको सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता है तो सुपर प्रॉफिट का हम फॉर्मूला रखेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर सामान्य प्रत्यय की दर। क्वेश्चन के अंदर हमको कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है, तो बटा 10 एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ हमको क्वेश्चन के अंदर 50,000 रुपए का दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट के नीचे मैंने 50,000 रुपए रख दिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो इसका मैं फॉर्मूला रखूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर कितनी है, 10% इनटू एनआरआर अपॉन 100। इस ब्रैकेट को मैं बंद कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है, 3,00,000 रुपए दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल की जगह मैं ये 3,00,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड एनआरआर 10% है अपॉन 100, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 10 10 जा 100, 0 से 0 कट गया, इधर क्या बचा, 30,000 रुपए। 50,000 के अंदर से 30,000 रुपए जब मैं लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20,000 यानी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 10, 0 से ये 0 कट गया, 20,000 को 10 से मैं गुना करूंगा तो
ये 2,00,000 रुपए हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से भी हमारा आंसर कितना आया 2,00,000 रुपए, और औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से भी हमारा क्या आंसर आया 2,00,000 रुपए, और यही इसकी दोनों पूंजीकरण विधि की मेन विशेषता, खास जो विशेषता है वो यही है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना आ गया होगा, और यदि आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल यदि अपनी बुक के अंदर से करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और इंक्रीज हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, यहीं फिनिश करता हूं। प्रैक्टिस करना, और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इट्स ओवर, थैंक यू वेरी मच।